थाना की कार्रवाई में सेंधमार को गिरफ्तार कर उसकी ओर से करीब 2,80,381 रुपए का मुद्देमाल पुलिस ने जब्त किया। चंद्रपुर जिले में दिनों दिन सेंधमारी की कई घटनाओं को सेंधमार अंजाम दे रहे हैं। इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक चंद्रपुर ने स्थानीय गुनाह शाखा को विशेष निर्देश दिए थे। उसी निर्देश के मुताबिक अधिकारी व कर्मचारियों ने कई दिनों से योजना बनाई। 11 मार्च को शाम के समय उन्हें खबर मिली कि घुघुस के अमराई वार्ड निवासी 24 वर्षीय आरोपी ने एक घर में सेंध लगाकर सोने चांदी के जेवर और कुछ नगद राशि चुराई है। प्राप्त हुई इस जानकारी के आधार पर गुन्हे शोध पथक के अधिकारी व कर्मचारी तत्काल आरोपी की तलाश करने पहुंचे। आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लिया गया और उसे पूछताछ की गई। तभी आरोपी ने बताया कि घुघुस पुलिस थाना अंतर्गत साईनगर वार्ड क्रमांक 6 यहां के एक घर से उसने चोरी की है। तभी उसकी ओर से चोरी किए गए सोने के जेवर जिसकी कीमत तकरीबन 2,65,635 रुपए है, चांदी की जेवर जिसकी कीमत 2,246 रुपए है, एक LYF कंपनी का मोबाइल जिसकी कीमत अंदाजन 3,000 रुपए, नकदी कैश 95,000 रुपए, ऐसा कुल 2,80,381 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। आरोपी की ओर से पुलिस थाना घुघुस अंतर्गत गुन्हे सामने आए। उक्त कामगिरी पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे, पुलिस निरीक्षक बाला साहेब खाड़े इनके मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक सचिन गदादे, पुलिस हवालदार संजय आतकुलवार, नायब पुलिस सिपाही चंदू नागरे अमजद खान, पुलिस सिपाही कुंदन सिंह बावरी प्रशांत नागोसे, गोपाल आतकुलवार, नितिन रायपुरे, रविन्द्र पंधरे, नरेश डाहुले ने की है।